संवेदनशील स्थानों पे इस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई जिसमें आरएसएस आरएसएस रेशम बाग है, इन जगहों पे सुरक्षा कैसी है? हमारे लिए आरएसएस हेडक्वार्टर्स और जो भी वाइटल इंस्टॉलेशन शहर में हैं उसकी सुरक्षा की ऑडिट हम पीरियोडिकली करते रहते हैं और पूरी तरीके से कड़क सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। अभी नवरात्रि उत्सव के दरमियान नवरात्रि मंडल हो, गरबा का नियोजन है, रावण दहन है, दीक्षा भूमि, ड्रैगन पैलेस, इसमें मोटे संख्या में लोग आने वाले हैं, आरएसएस का पथ संचलन है, महत्व के व्यक्ति का आवागमन इस दरमियान शहर में होने वाला है। इसको सभी को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर पुलिस ने पूरी सुरक्षा ऑडिट सिक्योरिटी ऑडिट की है और जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं नागपुर शहर पुलिस दल और जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिल के आवश्यक उपाय योजना की जा रही है। सर, केरल में आरएसएस के कार्यालय पे पेट्रोल बम से हमला किया गया था 2 दिन पहले, उसको कितनी गंभीरता से लेते हो? कि आरएसएस मुख्यालय नागपुर में है, तमाम पदाधिकारी नागपुर में, उसको देखते हुए जिस प्रकार के सरेआम वहाँ पे पेट्रोल बम से आरएसएस के कार्यकर्ताओं के घर पे हमला हुआ, उसके मद्देनजर देखो कितनी सीरियसनेस है नागपुर पुलिस। आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का विषय है और सभी को इसमें बोलने में कोई संदेह नहीं है कि एक ये बहुत महत्व का वाइटल इंस्टॉलेशन है और पहले भी शहर में या दूसरे जगह पे कुछ प्रकार के अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कड़क व्यवस्था की गई है और हम पीरियोडिकली उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की अपवादात्मक घटना नहीं होगी इसके लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है और कोई घटना अगर होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो पथक हैं और जो इस प्रकार के जो स्टेट लेवल पे जो टीम्स हैं पूरी तरीके से तैयार हैं। इन घटना के बाद केरल में घटना घटी, उसके बाद सतर्कता ज़्यादा रखी जा रही है, इनपुट ज़्यादा ले रहे हैं आप? डेफिनेटली मैं बताऊंगा, जैसा मैंने बताया कि ये ऑलरेडी टॉप प्रायोरिटी का विषय है और हम हमेशा ऑडिट करते रहते हैं। अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स अलग अलग राज्य या देश में हमारे देश में जो हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए और नवरात्रि उत्सव के दरमियान शहर में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का भाविकों का आना आते हैं उसको ध्यान में रख के आवश्यक बीफअप की गई है सिक्योरिटी। सर, एटीएस की ऐसी खबर है कि एटीएस ने कुछ इनपुट दिया है कि पीएफआई के कुछ जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ के बाद सामने आ गई, कुछ टॉप लीडर्स और आरएसएस मुख्यालय उनके टारगेट पे था, इसकी जानकारी क्या आपको मुंबई से दी गई है उसको विशेष नजर रखने के लिए? इसके बारे में मैं कोई कमेंट मीडिया के सामने करने में असमर्थ हूँ।